हेलो दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश, मैं अगेन आपके सामने लेकर आया हूँ रूल्स ऑन स्पॉटिंग एरर इन इंग्लिश ग्रामर। इसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन बहुत वीक है, ग्रामर आपको अगर नहीं आती है, और अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपने फॉर्म भरा है और देना चाहते हैं पढ़ कर, ठीक है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। लेकिन पढ़ते समय पेन और पेपर लेके बैठिए, जो भी रूल आपको बताए जाएं इस वीडियो में वो सब लिखिए, और ऐसा ना करें कि लिखने के बाद कॉपी पेन साइड पटक दिया और उसको भूल गए कि कहाँ रखा है। ऐसा नहीं करना है, वीक में एक दिन रिवाइज कर रखिए, सारे रूल को रिवाइज करिए। देखो क्या होता है, पहली बात तो ये है कि एसएससी एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, बहुत ही बेसिक, ज़्यादा टिपिकल या डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, जैसा कि बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। भाई देखो, एसएससी में केवल सिंपल चार ऑप्शन देगा, जिसमें डी ऑप्शन आपको देगा नो एरर का, केवल ए बी सी, केवल छोटे से सेंटेंस में ही बोलेगा एरर छाटो या कौन सा पार्ट में एरर है, फाइंड द एरर। लेकिन बैंकिंग एग्जाम में कहते हैं वो पांच ऑप्शन देता है, ए बी सी डी ई, मतलब ए बी सी डी, इन चार जो पार्ट होते हैं, ये चार पार्ट बहुत लेंथी होते हैं, इनकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी होती है एसएससी के कंपैरिजन में। अगर आप एसएससी का दे रहे हैं एग्जाम, तो प्लीज इस वीडियो को देखिए ध्यान से, आप खुद कहेंगे वाह क्या क्वेश्चन से मजा आ गया। ठीक है, तो बात बहुत अधिक हुई, अब हम बढ़ते हैं काम की ओर। काम की ओर मतलब क्वेश्चन नंबर वन की ओर। ठीक है, पॉज करिए, पेन पेपर लेके आइए और उसको वीडियो को ध्यान से देखिए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं लाए तो पॉज करिए, लाइए पेन पेपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा गया, देखो एसएससी में कितनी बार पूछा गया है उसका मैंने आपको डाटा दे रखा है। 2010 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चंस, और 2006 में पूछा गया है। ठीक है, तीन बार ये एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्वेश्चंस में कहता है, देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। इसमें से पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट क्या एरर, अगर कोई एरर है तो वो छाटिए, अगर नहीं है किसी पार्ट में एरर तो आप अपना आंसर लगा के आएंगे एग्जाम में, डी नो एरर। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं आपको कुछ बताऊँ। देखो पोएट्रीज कभी बहुवचन में नहीं होती, बहुवचन में नहीं लिखी जाती। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो पोएट्री जो होती है, POETRY, पोएट्री जो हम बोलते हैं, इसका मतलब खुद ही होता है नंबर ऑफ पोएम, मतलब कविताओं का समूह, और इसको हम सिंपल पोएट्री बोलते हैं, ना कि कभी पोएट्रीज, हम इसको प्लुरल नहीं बनाते कभी भी। अगर बनाते हैं या कहीं पे दिया गया है पोएट्रीज लिखा हुआ, तो समझ जाइए कि उसी पार्ट में एरर है। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं अगर आपको पता होते, तो आप तुरंत करते कि हाँ बी पार्ट में एरर है, चलो इस पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। देखिए जिसके भी इंग्लिश ग्रामर काफ़ी सही है, तो वो इस वीडियो को अटेम्प्ट करे ध्यान से, वीडियो को पॉज करे, अपना आंसर टैली करे मेरे आंसर से क्या आता है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस भी जाएगी आपकी, और आपके जो रूल्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, देखिए पोएट्रीज के अलावा कुछ वर्ड और हैं जो कभी भी हो प्लुरल नहीं बने, नहीं बनते, उसके पीछे आप एस या ई एस लगा करके उसको बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे आपका एक वर्ड है सीनरी होता है, एक कैटल है आपका, एडवाइज है, और पोएट्री तो खुद में है ही, अभी बताया मैंने आपको, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला पोइट्री, सीनरी, कैटल, एडवाइस, ये कभी भी हो इनको हम बहुवचन नहीं बना सकते, एस या ई एस लगा करके हम इनको
बहुवचन कभी भी नहीं बना सकते। अगर किसी क्वेश्चन में बना रखा है तो समझिए कि उसी पार्ट में एरर है। ठीक है, बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू हमसे कहता है दैट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स। इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर वन का फंडा अप्लाई होता है। ठीक है, स्टोन्स को भी हम कभी भी बहुवचन में नहीं लिखते हैं। ये जो स्टोन्स है हमने ईएस लगा रखा है ना, तो इस पार्ट में जो ईएस आप देख रहे हैं ये नहीं आता कभी भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस लगा करके इसको बहुवचन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कौन से पार्ट में हमको मिल गया एरर? पार्ट सी में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। देखो अगर रूल ना पता होता ना, अगर हमको रूल नहीं पता है तो क्या होंगे छोटे छोटे रूल, जो ये बेसिक रूल हैं ये भी हमको पहाड़ लगते हैं। यार क्या होगा, कौन सा एरर है? चलो यार डील आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो काफी बेसिक रूल आप देख रहे हैं, अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, कुछ इन सब को अटेम्प्ट करिए, आपका जो रूल्स हैं वो रिवाइज होंगे। नहीं पता तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ईजी है ये बेसिक रूल आपके, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक रूल यू कैन ईजली क्रैक SSC MTS LDC CGL एग्जाम। ओके, काफ़ी आसानी से आप इन सभी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इन बेसिक रूल को जानने के बाद। ठीक है, देखिए कितने छोटे छोटे से स्टेटमेंट दे रखे हैं, कितने स्मॉल स्मॉल से सेंटेंस हैं, कितने पीसीस में बांट दिया उसको। अगर आप बैंकिंग का देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अगर बैंकिंग का कोई क्वेश्चंस, तो उसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है। तो इसलिए आपको बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर की, लेकिन SSC में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही एज वेल एज, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहता है ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। ठीक है, कहाँ पे एरर है? अगर एरर नहीं है तो पार्ट डी को चूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या है? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों लिखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, इनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। एज वेल एज से पहले क्या है हमारे पास? है ही क्या है हमारे पास? सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या यूज होगी यहाँ पर? यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइक दे रखा है यहाँ पे सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी यहाँ पर हमारे पास में? सिंगुलर होगी। वर्ब सिंगुलर कैसे बनेगी? जब इसके साथ क्या हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, लाइक की जगह पर लाइक्स हो जाएगा बस। तो एरर कहाँ था? पार्ट बी में। क्या बोलोगे आप? हम बोलेंगे ही एज वेल एज यू लाइक्स टू गो। ठीक है, बताए मैंने आपको रूल नहीं कि एज वेल एज, ठीक है, या फिर हो नॉट ओनली या हो बट आल्सो। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज करेंगे यहाँ, इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट लगा होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर यहाँ पे अगर प्लुरल होता बहुवचन होता तो यहाँ पे सिंपल लाइक होता, ऐसा ही यस नहीं लगता। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, इंजॉय करके पढ़िए बच्चों, ऐसा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए चलिए, जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया, आप देखिए SSC के 2010 में पूछा गया, 3 में पूछा गया, 6 में पूछा गया, और ये 2015 में पूछा गया SSC के एग्जाम में। अब आप खुद लगा लीजिए आइडिया कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रूल कितना इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए अगेन कितनी बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया, 2010 में भी आया, 2011 में भी आया, और 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ABC 3 पार्ट दिए गए हैं, डी पार्ट, अगर एरर नहीं है तो पार्ट डी को आप चूज करेंगे, लेकिन पढ़ तो लें एरर है कि नहीं है, देखते हैं है नहीं है। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट। ये भी रूल काफी अच्छा रूल है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, इस
इस वीडियो को सबसे पहले आप तो पॉज कर लीजिए, जिसको अगर रूल पता है ना तो वो प्लीज़ आंसर निकालिए अपना, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपका रियल में राइट आंसर आता है और मेरे आंसर से मैच करता है ना, तो आपके ग्रामर के रूल में पकड़ बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन होने की संभावना 100% है। ठीक है, देखिए मैं आपको करता हूँ क्लियर कि इसमें क्या होता है। देखो, अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल जो क्लॉज है अगर वो पास्ट टेंस में है, तो जो भी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, जो भी क्लॉज है हमारे पास में सबॉर्डिनेट, तो उसको भी पास्ट टेंस में रखना होता है। ठीक है, जैसे आपका मैं देख रहा हूँ कि वेरी सून आई रियलाइज्ड, तो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस है, रियलाइज्ड मतलब ईडी हमको बताता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया हमारे पास सारा यहाँ तक। अब उसके बाद क्या हो रहा है, डेट, डेट के बाद जो आ रहा है ये क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, एक रूल होता है, थोड़ा सा बेसिक रूल है ये भी, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इज है ना, इज, तो अगर ये पास्ट में था तो हमको ये भी पास्ट में करना पड़ेगा, इज, जो इज है इज की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वास। ठीक है, तो पार्ट सी में एरर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ओ माई गॉड कितनी बार पूछा गया है, 2003, 2004, 2009, 2011, 2015। तैयार हो जाइए फिर, तो तैयार होना क्या है, तैयार नहीं होना भाई साहब। ये देखिए रूल नंबर 4 ही इसमें अप्लाई हो रहा है, सेम, माई टीचर सेड, पास्ट, दैट आ गया। देखो दैट डिसाइड कर रहा है यहाँ पे हमारा, कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज, दैट यहाँ पे आ गया। आप गौर करिए, सेड, सेड का मतलब क्या होता है, पास्ट की बात कर रहा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, द अर्थ मूव्स, ये क्या है, ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, इसमें बस एक अपवाद है, एक एक्सेप्शनल केस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये क्या है, ये बात सच है, तो जो बात सच होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, तो वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि आप इसको सिंपल वो पास्ट है तो वो भी पास्ट में बना दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगा। सबॉर्डिनेट जो था पिछले वाले रूल में दोनों पास्ट पास्ट थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो पहला पास्ट में रहेगा, सैड है सैड रहेगा, लेकिन सेकेंड सेंटेंस क्या होगा, जो होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी है तो पार्ट डी में जो हमारा होगा राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 2010 में पूछा गया, 2013 में और 2015 में एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये रूल भी एसएससी एग्जाम में लास्ट 6 ईयर में 4 से 5 बार देखने को मिला है बच्चों। ठीक है, ये रूल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये देखे जाने की से संभावना है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जब हम दो नाउन को यूज करते हैं, मतलब दो सेम नाउन को यूज करते हैं, सिटीज आफ्टर सिटीज, मतलब सिटी नाउन है फिर उसके बाद आफ्टर लग गया, दोबारा सिटीज आ गया, तो दो नाउन सेम रिपीट हो रहे हैं अगर क्वेश्चंस में, या फिर मैं बोलूँ आपसे ईयर आफ्टर ईयर, रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट, बुक आफ्टर बुक, एग्जाम आफ्टर एग्जाम। ठीक है, इस तरह प्रीपोजिशंस जो होती है आफ्टर के बाद, हम या पहले आए या बाद में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम सिंगुलर लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल आप याद करिए, चलो आप याद करिए पहले, देखो सिटीज आफ्टर सिटीज से जो पहले आया है नाउन, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं सिंगुलर में, सिटी आफ्टर सिटी मतलब शादी के बाद मेरी बहन ने बहुत सारी सिटी को घूमा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होता है, सिटी आफ्टर सिटी होता है,
आफ्टर अगर आता है, ईयर्स आफ्टर ईयर्स नहीं होगा, ईयर आफ्टर ईयर होगा, बुक आफ्टर बुक होगा, बुक्स आफ्टर बुक्स नहीं होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा रूल को ध्यान से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस रूल को लिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 2013 में पूछा गया और 2014 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या कह रहे हैं, देखो, द क्लीनलीनेस इन चंडीगढ़ इज मच हायर देन आगरा। इस सेंटेंस में हम चंडीगढ़ की साफ सफाई की तुलना किससे कर रहे हैं, आगरा से कर रहे हैं। चंडीगढ़ की साफ सफाई आगरा से कहीं ज्यादा है, इस सेंटेंस का मीनिंग होगा ये। ठीक है, कितना ऑड लग रहा है बोलते समय, कितना अजीब लग रहा है कि चंडीगढ़ की साफ सफाई आगरा से कहीं ज्यादा है, जबकि हमें बोलना चाहिए आगरा की साफ सफाई। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें बोलना चाहिए सिंपल, देखो कि चंडीगढ़ की साफ सफाई आगरा की साफ सफाई से ज्यादा है। ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, या फिर ये लग रहा है सेंटेंस जो उसने दिया कि चंडीगढ़ की साफ सफाई आगरा से कहीं ज्यादा है, और लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देन आगरा गलत होगा, देन इन आगरा होगा। ठीक है, देखो इन चंडीगढ़ फ्लो में आ रहा है बोलते समय, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देन इन आगरा होगा, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में हमारे पास एरर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमसे, देखिए 3 बार पूछा गया एग्जाम में एसएससी के। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है हमारे पास टी इज मोर प्रेफरेबल, मतलब जो ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं, टू कॉफी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए क्या होता है इस कंसेप्ट में, जो बेस क्वेश्चंस है, कंसेप्ट बेसिक ये कुछ क्वेश्चंस है, लास्ट 5 to 6 ईयर पूछा गया है, देखा गया है ये क्वेश्चंस कई बार हमारे सामने। ये रूल भी इम्पोर्टेंट होता है, जिनको ये रूल नहीं आता है वो इसको जरूर राइट डाउन कर लें। देखो इंडिया के अधिकांश भागों में टी को ज़्यादा पसंद करा जाता है बजाय कॉफ़ी के। ठीक है, ये इसका तो मीनिंग हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेफर दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या है, कंपरेटिव डिग्री है, इसके पहले मोर नहीं लगाते, कंपरेटिव डिग्री से पहले कभी भी वो मोर नहीं आता है, ये रूल है। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कौन से पार्ट में एरर हो सकता है, फिर कॉमन सी बात है पार्ट ए में हमारे पास एरर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच गए, बड़े आराम से हमने क्वेश्चंस करे, काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से हमने क्वेश्चन सीखे आज, कोई टेंशन नहीं है, रूल लिखे थे, बढ़ते गए आगे। ध्यान से इस वीडियो को फिनिश होने के बाद में एक बार और वॉच करना, ठीक है, और अपने रूल से इसको टैली करना, और रात को सोने से पहले एक बार अपनी नोटबुक को उठा करके उसको रिवाइज करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है, कहने से पहले आप देखिए कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, 6, 13 में और 14 में, 3 बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द हेड मास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन फॉर गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। देखिए इसमें भी एक कुछ एक रूल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन जो ये दी गई है फॉर, ठीक है, इसका यूज नहीं करते, हम बोलेंगे राजन ऑन। ठीक है, इसी के तरह अप्रूव के बाद ऑफ आता है हमेशा, ध्यान रखिएगा ये रूल। ठीक है, डिप्राइव के बाद भी ऑफ आता है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा हम लोग ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी एक रूल है, आप लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पे जो एरर है पार्ट बी में हमारे पास एरर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया एसएससी में, इतनी बार पूछा गया, आप देख लीजिए, बार बार मैं नहीं बोलूंगा इसको, ठीक है, आप देख लीजिएगा आराम से। तो ए बी सी डी 4 पार्ट दिए गए हैं, ए बी सी थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंथ ही है इसकी, ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ऑल द एम्प्लॉयज हैव टू अबाइड इन द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी। देखिए क्या होता है यहाँ पर, हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है निश्चित, डेफिनेट, ठीक है। जैसे होता है कि हमको बड़े लोग अगर आते हैं हमारे सामने, हम उनको नम हमको उन्हें नमस्ते करनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, ठीक है। अगर राष्ट्रगान अगर हम सुन रहे हैं तो हमको अपनी सीट से खड़ा हो जाना चाहिए उसके सम्मान में, जैसे सिनेमा घर में होता है। तो ये सब रूल क्या हो गए, हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको रेड लाइट होते ही गाड़ी को रोकना है। ये सारे रूल क्या है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अबाइड दिया है यहाँ पर, अबाइड का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। अबाइड के बाद हम इन का प्रयोग नहीं करते हैं, अबाइड के बाद ये जो इन दे रखा है इन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो इसलिए पार्ट ए में हमारे पास एरर होगा, ठीक है। अबाइड के बाद हम इनका यूज नहीं करते हैं, ये आप याद रखिए, बस रूल में लिख लीजिए। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए आप, बढ़ता हूँ पढ़ता हूँ उसको मैं आगे। वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स इन ऑल सरकमस्टांसेस। हर एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स का आदर सभी सिचुएशन में करना चाहिए, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए वन के बाद, ठीक है, यहाँ जो है पार्ट बी में एरर होगा, हिज पेरेंट्स की जगह पर वंस आना चाहिए। वन के बाद जो हम पॉजिटिव केस लेते हैं वन ही लेते हैं, ठीक है, वन ही लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे वन लगाता हूँ तो का शब्द नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, का भी तो लगाना है, तो यहाँ पे आएगा वंस। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस मतलब वन एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा उसके बाद में, वंस पेरेंट्स इन ऑल सरकमस्टांसेस, ऐसा बोलेंगे तो ये हमारा को जो स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगी। तो अभी तो लेकिन ये रॉन्ग है पार्ट बी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे रूल समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। देखिए इसमें कह रहा है इफ आई हैड मनी, देखिए इफ सपोज का मतलब क्या होता है, यदि, ठीक है, कल्पना कर रहा है। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस ब्यूटीफुल कार, मतलब यदि मेरे पास पैसा होता तो मैंने इस कार को खरीद लिया होता। तो अभी ये क्या है, इफ लगते क्या हो गया, ये अनफुलफिल वाली कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो सकती, अभी वो बात कर रहा है, काल्पनिक बातें कर रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें क्या है, आंसर डी लगा कर आते हैं, क्या लगा के आते हैं, आंसर आंसर डी लगाएंगे, हाँ बात तो सही कर रहा, कोई गलती नहीं है, लगाओ आगे बढ़ो, चलो ठीक है। लेकिन क्या होता है, अनफुलफिल्ड कंडीशंस में इफ दिया है, अगर यदि दिया है तो हैड के साथ, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसमें होगा अगर हैड दिया है ये तो क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मैंने बोला हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, देखो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैड ही आएगी। ये जो हैड है आपका पहले वाला जो हैड है, तो ये जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो होगी वो होगी वर्ब की थर्ड, वो होगी हैड। तो इफ आई हैड, फिर बोलेंगे दोबारा से हम लोग हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस ब्यूटीफुल कार। तो यहाँ पे हैड हैड दो बार आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, और जिनको रूल्स बिल्कुल नहीं पता उनको इस क्वेश्चन को समझने में कठिनाई हो सकती है, वो गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने इस चैनल के अंदर एक लूसेंट ग्रामर की जो बुक है मोटी वाली ग्रीन कलर की, उसके मैंने कुछ वीडियो बना करके अपलोड कर रखे हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। उसमें मैंने वही रूल्स
डिस्प्ले करें हैं, वही रूल समझाए हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना पढ़ करके, तो उस वीडियो को देखिए, उसके रूल्स को समझिए और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है, लेट्स गो टू द बीच एंड एंजॉय, डू वी। ये क्वेश्चंस टैग रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्टेटमेंट तो है सिंपल, और इसको कंफर्म कर रहा है डू वी, लग गया क्वेश्चन मार्क। चलो बीच पर चलते हैं और इंजॉय करते हैं, डू वी। ये डू वी क्या है, ये डू वी है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग, ठीक है। रूल कहता है यदि सेंटेंस लेट्स गो से स्टार्ट हो तो शैल वी लिखा जाएगा, ना कि डू वी। डू वी जब बनेगा, जब सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, नेगेटिव में देता है तब। ये रूल हमने मॉक टेस्ट थर्ड और फोर्थ में आपको बताया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट नेगेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव में होता है अगर तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, ठीक है, माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर होगा, तो वो एरर किस में है हमारे पास में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट नंबर सी में, यहाँ लिखा जाएगा शैल वी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहता है, देयर इज नो देयर्स पॉसिबिलिटीज ऑफ कमिंग लेट, उनके लेट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो पॉसिबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है संभावना, ये एक नाउन है। नाउन से पहले हम देयर्स कभी नहीं लगाते, केवल लगाते हैं क्या, देयर। ये क्वेश्चन भी एसएससी एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज देयर हाउस, यह एक मकान है। हाउस पहले आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो लगा सकते हैं हम लोग देयर, ठीक है, तब भी ऐसा नहीं आएगा। देखियो एग्जाम्पल दोबारा से आपको मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे मैं। देखिए अगर मैं आपसे सिंपल ये कहता हूँ कि द हाउस इज देयर, अगर देयर से पहले अगर कोई सिंपल नाउन आ रहा है तो हम देयर्स लगा सकते हैं, लेकिन आप पॉसिबिलिटीज बाद में आ रही है ना तो देयर्स नहीं आ सकता। तो यहाँ देखिए पार्ट ए में इस तरह से हमको एरर मिल गया। देखिए दिस इज देयर हाउस, ये हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं दिस इज देयर्स हाउस तो गलत है, द हाउस इज देयर्स राइट। तो यहाँ पे फिलहाल पार्ट ए में एरर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। देखो ओल्ड एज में व्यक्ति के दिन प्रतिदिन कमजोर होने की संभावना होती है, लाइकली टू का जो मतलब है यहाँ पर, ये होती है संभावना, ठीक है। यहाँ जो एरर है एक्चुअली सी में एरर है, ठीक है, पार्ट सी में एरर होगा। मोर तब लगता है जब वोवल साउंड 2 से ज़्यादा आ रहे हों। वोवल साउंड क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। मोर वीक, यहाँ पे केवल ई आ रहा है, ए ई, केवल एक ही वोवल आ रहा है तो मोर यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ रूल एग्जैक्ट क्या है। देखो यहाँ पे वोवल पे डिपेंड करता है हमारा मोर, ठीक है ना। प्लस टू अगर वोवल होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे होता है ब्यूटीफुल, ठीक है। देखो ब्यूटी में ई यू दोनों वोवल आए हैं, ठीक है, ई यू, ई यू आ रहा है ना, ब्यूटीफुल में ई यू दो वोवल आ रहे हैं तो ठीक है, लग सकता है मोर। लेकिन वीक में ई आ रहा है, केवल एक ही वोवल आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ मोर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना।
वीक की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वीकर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट सी में, ठीक है बच्चों। मोर हट जाएगा, ठीक है ना, टू गेट वीकर हो जाएगा। अगर आप लगाना चाहें मोर लगा सकते हैं, लेकिन मोर वीक इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़े से बेसिक रूल हैं, थोड़े से ज़्यादा रूल हैं, तो इसको मैं अभी आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है। इसको मैं ढंग से समझाऊंगा, समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लूसेंट का वीडियो देखिए वाला, जिसमें ग्रामर रूल दे रखे हैं मैंने, बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएंगे सारे रूल, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एसएससी एग्जाम में ये भी पूछा गया है, 6 में, 8 में, 13 में और 14 में, ठीक है। ए बी सी 4 पार्ट दिए गए हैं, अगर कोई एरर नहीं हो तो डी लगा दीजिएगा, नो एरर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल एक सेंटेंस दिया है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ स्थान पर सब्जेक्ट आएगा। कब आएगा देखो, जब सेंटेंस में नो प्लस सर्कमस्टांसेस हो, नो प्लस सर्कमस्टांसेस लिखा हो या दिया हो, तो क्या होगा, आई शैल जो दे रखा है ये गलत है, यहाँ पे होगा शैल आई, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे होगा शैल आई, राइट होगा, बट आई शैल अभी इस समय गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। देखो क्या होता है इसमें, इसने क्वेश्चन दिया है, डू यू अवॉइड टू वॉच टीवी ड्यूरिंग एग्जाम्स, ठीक है। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम आईएनजी लगाते हैं, हमेशा आईएनजी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक मिनट, जैसे होता है आप उसको नोट करिए, एक होता है अवॉइड जो दे रखा है पहले से, इंजॉय और प्रैक्टिस, इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखो टीवी से पहले एक चीज और कहीं ना, टीवी से पहले दा नहीं लगता बट रेडियो से पहले दा लगता है, दा टीवी कभी नहीं होगा, दा रेडियो राइट होगा। तो इस तरह कुछ बेसिक रूल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्ट ए में एरर होगा, डू यू अवॉइडिंग टू वॉच, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, आई रियली डू नॉट नो वेयर हैव ही एंड हिज फ्रेंड्स अजय गोन सिंस यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 18 में जो ये दे रखा है इसने, यहाँ पर वेयर दे रखा है ना, ये वाला जो वेयर है, तो यहाँ पे ही एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस इस हैव से पहले आ जाएगा, हैव इस सेंटेंस में लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, देखो अगर आप पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ो, आई रियली डोंट नो, आई रियली डू नॉट नो वेयर ही एंड हिज फ्रेंड्स, फिर आएगा हैव। तो ये जो सेंटेंस बोलने में आ रहा है ये इससे सही लगेगा, बाकी इसके लिए थोड़ा सा बेसिक रूल है, बट बेसिक रूल नहीं, काफ़ी ब्रॉड रूल है, काफ़ी चौड़ा रूल है इसके लिए, तो ये भी आपको समझाना पड़ेगा। बट मैंने ये क्वेश्चन उनके लिए लिया है जिनको ग्रामर के रूल्स काफ़ी अच्छे से आते हैं, वो इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी तैयारी कितनी अच्छी है कितनी वीक है वो पता कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए था। तो अगर आपने इस वीडियो को पॉज करा और पहले ही आपने राइट आंसर निकाल लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसका जो ग्रामर जो एरर होगा वो होगा पार्ट बी में, ये ही एंड इज फ्रेंड्स अजय पहले आएगा और हैव यहाँ जाएगा साइड में, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट ओके बन जाएगी। अगर आप इसको अटेम्प्ट कराए आपने राइट आंसर निकाला तो आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, हैवी रेन, ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, नो एरर। देखिए हैवी रेन की वजह से शिप जो था वो क्या हो गया, समुद्र के बीच डूब गया। देखो एक होता है ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब भी डूबना होता है और सिंक का मतलब भी क्या होता है, डूबना होता है, ठीक है। अब लिखिए रूल, रूल है सिंक जो होता है वो नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए यूज होता है और ड्रॉन जो होता है वो लिविंग जो वस्तुएं होती है उनके लिए होता है। शिप में जान होती है? नहीं ना,
ये क्या नॉन लिविंग वस्तु, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंक का यूज करा जाएगा ना कि ड्रोन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्ट बी में एरर है, कितना प्यारा क्वेश्चन था देखो बच्चों, है ना। शिप क्या हमारी नॉन लिविंग वस्तु है, तो यहाँ पे संख होगा, यहाँ पे संख लगेगा, बी पार्ट में एरर था। देखिए बहुत ही बेसिक बेसिक नॉलेज, देखो एसएससी में ग्रामर के रूल पूछता है, आप खुद देख रहे होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। दो तीन क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो काफ़ी टिपिकल थे, बट मैंने इसमें लेक्चर में लिए थे, ये मैंने उनके लिए लिए थे जिनका ग्रामर का रूल्स काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आपको काफ़ी ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर जो बुक के जो मैंने रूल अपने चैनल पे दे रखे हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे रूल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चंस, तो ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इट इज़ नथिंग एल्स देन इमोडेस्टी दैट लीड्स टू वंस फेलियर इन लाइफ। विनम्रता ना होने की वजह से आपको लाइफ में फेलियर मिलती है। नथिंग एल्स के बाद बट लगाते हैं, नथिंग एल्स के बाद हमेशा बट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पार्ट ए में एरर है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने पूरे 20 क्वेश्चंस फिनिश करे, कंसेप्ट क्लियर ना हो तो अगेन इस वीडियो को देखिए एंड शेयर माय वीडियो ऑन यूट्यूब विद योर फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर ये जरूर करिएगा। जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रूल मैंने थोड़े टिपिकल लिए थे, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बट जो फ्रेशर हैं तो उनको प्लीज़ मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा लूसेंट वाला, अगर टाइम है तो देखिए। अगर आप चाहते हैं कि सीरियस तैयारी करनी है आपको और सीरियस तरीके से एग्ज़ाम में बैठना है तो उस वीडियो को देखिए, ठीक है। और ये हमने पूरे 20 क्वेश्चंस फिनिश करे थे, इसमें जो रूल आपको अच्छे लगे वो लिखिए, सारे रूल काफ़ी अच्छे थे दो तीन क्वेश्चन को छोड़ करके। वो रूल आपके लिए अभी अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि आपको रूल नहीं पता है, क्योंकि उस रूल से संबंधित काफ़ी सारे रूल उसके अंदर छुपे हुए थे। अगर मैं वो इस वीडियो में क्लियर करता, आपको समझाने का प्रयास करता, तो इस वीडियो में कम से कम 1 से 1.5 घंटे की ये वीडियो बन जाती, और वीडियो जब लेंथी होती है तो बच्चे वॉच नहीं करते हैं, 1 घंटे की वीडियो टाइम नहीं है, छोड़ो यार नहीं देखते। तो वीडियो बनाते समय हर एक का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, वीडियो की लेंथ ना बढ़े, बच्चे कहीं ऊब ना जाए, या बीच में क्लोज ना कर दें, हमारी मेहनत कहीं ख़राब ना हो जाए, या बच्चे प्रयास ही ना करें देखने का। तो इसलिए ठीक है, 20 में से अगर फ्रेशर बंदों को 15 रूल भी समझ में आ गए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा इसी के साथ, उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से मैं उमेश आप लोगों को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए कहता हूँ ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम को बड़े ध्यान से करना, तैयारी के साथ जाना, ऐसा ना हो खाली हाथ जाओ और खाली हाथ वापस आओ, नहीं जाओ भरे हाथ, और भरे याद मतलब अच्छे अच्छे नंबर बटोर करके एग्जाम में अपने लेके आओ, ठीक है। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, अगर ये वीडियो को पसंद आया हो तो अगेन लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं कराया तो, ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम में, और जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, और जो भी मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस रही, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। बीच में कभी कभी वॉइस में दिक्कत आई या कभी खांसी उठी या पानी पिया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए दोस्तों लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।